हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और फ्रेंड्स, आज जो यस बैंक के बारे में बात होगी, जो टॉपिक रहेगा यस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये दो शेयर होंगे टॉप। इनका एनालिसिस और अपडेट आप लोगों को बताने की कोशिश की जाएगी। और जो नए लोग देख रहे हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। फ्रेंड्स, यस बैंक जो है आज 7/3/2019 को लगभग 231 रुपया 70 पैसे में बंद हुआ है और 1.5% इसका जो है नीचे की तरफ बंद हुआ है। और फ्रेंड्स, इसका 228 रुपया 65 पैसा भी इसका डे लो है और हाई था 236। अब फ्रेंड्स, इसका जो सपोर्ट लगभग 219 और 223 के आसपास होगा। अगर जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है यस बैंक में, आप पार्सली बुक करना चाहिए। और प्लस अगर आपने ऊपर की तरफ जाने की अगर सोच रहे हैं, तो उसमें आप स्टॉप लॉस के थ्रू भी बने रह सकते हैं। अगर नीचे की तरफ आए तो आप स्टॉप लॉस के द्वारा उसको अपने प्रॉफिट को बनाए रख सकते हैं। जिन्होंने बहुत नीचे लिया होगा, हो सकता है उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा यस बैंक में, क्योंकि 240 के आसपास तक गया है और ये काफ़ी अच्छा इसने मूवमेंट दिया था 169 से 240 के बीच। तो फ्रेंड्स, अभी करेक्शन के उसमें है ये और 2-3 दिन से नीचे की तरफ बंद हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि 223 और 217 219, उसके बाद आपको 200 के आसपास तक आ सकता है। और अप ट्रेंड में ये जब तक 246 के ऊपर अगर बंद नहीं होगा, 246 और 247, इससे पहले भी मैंने बताया था कि जब तक उसके ऊपर बंद नहीं होगा तो आपको ये ऊपर की तरफ थोड़ा कैप रहेगा। अगर 247 से ऊपर बंद होता है तो आपको फिर नेक्स्ट व्यू मिल सकता है। तो यस बैंक को ये अपडेट था टेक्निकली। और इसमें जो अब ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस के थ्रू काम करिए यस बैंक में। दूसरा शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्री 1270 के आसपास बंद हुआ है और अगर निफ्टी को बढ़ना है तो रिलायंस को लगभग अब यहाँ से 1290 और 1300 तक का मूव दिख सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप जो शॉर्ट टर्म या BTST काम करते हैं, इंट्राडे में काम करते हैं, स्टॉप लॉस के थ्रू काम करिए, क्योंकि आज जो 7/3/2019 को इसने जो 1258 और 1279 के आसपास तक का मोमेंट था इसका, और इसका हाई जो है 1329 रुपया है और 1270 में बंद हुआ है और 1329 हाई है। ईयर ईयर का जो हाई होता है 1329 है। अगर फ्रेंड ये आप लोगों ने लिया है और अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो बहुत बड़ा शेयर है। देखिए, आप अगर इसको जिन्होंने नीचे की तरफ लिया है तो उनको रखना चाहिए और लंबे समय के लिए रखना चाहिए। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए ये होगा कि आप अगर 1260 और 1258 का स्टॉप लॉस लगाइए और अपना लगभग 1288 और 90 तक का, उसके बाद 1300 का मूव हो सकता है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री बढ़ता है तो हो सकता है कि निफ्टी भी अच्छा ऊपर की तरफ जाए। तो रिलायंस इंडस्ट्री और यस बैंक, ये आप लोगों के लिए आज था। जैसे मैंने बताया, रिलायंस इंडस्ट्री का अगर नीचे की तरफ आता है तो आप इसको फिर से पोर्टफोलियो में रखना चाहिए अपना। देखो, देखिए, अब जो ट्रेड करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉसेस अपना लगा के काम करना चाहिए। और इसी तरह से आप लोगों को इंडिया का जो शेयर मार्केट है उसके बारे में अपडेट देने की कोशिश की जाती है। तो ये यस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री, आप अगर यूट्यूब देखते हैं, कहीं से भी देखते हैं, यूट्यूब अगर इंडिया में किसी कोने से भी देख रहे हैं और वर्ल्ड से भी देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको जो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन मिलता है वो सबसे पहले मिलेगा। और लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। आप फिर नया कोई वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।